सिंहारा क्षेत्र में वॉलीबॉल खेल में विवाद ने विकराल रूप ले लिया। एक ग्रुप के युवकों ने दूसरे ग्रुप के युवकों के घर पहुंचकर तमंचे से फायर कर एक युवक को घायल कर दिया। गांव हल्दुआ माफी में दो दिन पूर्व गांव रामपुर हल्दुआ के अंकुर तथा गांव हल्दुआ के विशाल के बीच वॉलीबॉल खेल के बीच विवाद हो गया। उस समय गाँव के लोगों ने दोनों के बीच फैसला करा दिया था। रविवार को अंकुर अभी जितेंद्र चंचल सौरभ आशिक ने 20-25 युवकों के साथ तमंचे लाठी डंडे आदि लेकर हल्दुआ में विशाल के घर हमला कर तमंचे से फायर कर दिया। फायरिंग में मोहित पुत्र सूरज गोली लगने से घायल हो गया। फायरिंग तथा हंगामा का शोर सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों को आता देख हमलावर तमंचे लहराते हुए भाग गए। घायल मोहित को मुरादाबाद के कॉस्मोस अस्पताल ले आया गया है। थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गौड़ ने परिजनों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। 24 न्यूज इन इंडिया वेब पोर्टल चैनल के लिए सिंहारा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। इसमें आज अंकुर पक्ष ने मोहित पक्ष के ऊपर हमला किया, मारपीट की है और गोली से फायर किया है, जिसमें मोहित घायल हुआ है। मोहित को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। मौके पर फोर्स है, दबिश दी जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।